Hello students, myself Dr. S.S. Chauhan and you are welcome to my YouTube channel Chauhan Maths. In this video, we are going to discuss limit of a function. हम आपको बताएंगे कि ये limit of function की rigorous definition कैसे generate हुई और फिर उस rigorous definition को one question में यूज करके भी दिखाएंगे. तो एक एग्जांपल देंगे कहने का मतलब. अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल का मीनिंग क्या हुआ. इसका मीनिंग है कि एफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल. एफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली का ये साइन जनरली लगा देते हैं. एफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल व्हेन x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a. इस लिमिट का ये मीनिंग है. इसका मीनिंग हुआ एफ एक्स माइनस एल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो व्हेन x माइनस a इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो. इसका मीनिंग है कि एफ एक्स माइनस एल इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव नंबर. उसे हम लिख सकते हैं मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर. जो एवरी पॉजिटिव नंबर से ये स्मॉलर होगा तो ये ऑलमोस्ट जीरो होगा. एप्सिलॉन इज वेरी 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 स्मॉल नंबर. एफ मॉड एफ एक्स माइनस एल इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नंबर विच यू कैन थिंक ऑफ. क्योंकि ये स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट नंबर है इसलिए ये ऑलमोस्ट जीरो है. तो दिस इज कन्वेड बाई दिस. इसी तरीके से एक्स माइनस ए अप्रोक्सीमेटली जीरो का मीनिंग है मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन एवरी स्मॉलर नंबर, लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर. और वो पॉजिटिव नंबर हम जनरली डेल्टा लिखते हैं. डेल्टा क्या है? डेल्टा भी स्मॉल, एप्सिलॉन भी स्मॉल. डेल्टा एप्सिलॉन इक्वल हो भी सकते हैं लेकिन डेल्टा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन भी हो सकती है. डेल्टा एप्सिलॉन टुगेदर इक्वल होना ऑलवेज जरूरी नहीं है. डेल्टा, मैं बताता हूँ आपको, डेल्टा कैन बी एप्सिलॉन, दिस कैन बी एप्सिलॉन बाय टू, दिस कैन बी स्क्वायर रूट एप्सिलॉन एंड ऑल. इसलिए हम लोग लिखते हैं डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन. डेल्टा भी स्मॉल, एप्सिलॉन भी स्मॉल, लेकिन डेल्टा और एप्सिलॉन ऑलवेज इक्वल होना जरूरी नहीं है. इसीलिए ये दो डेफिनेशन में डेल्टा अलग लगाया जाता है और एप्सिलॉन अलग लगाया जाता है. ठीक है, डेल्टा एप्सिलॉन जरूरत पड़ने पर इक्वल भी लिए जा सकते हैं. तो इस तरह से हमारी डेफिनेशन ये बनी. देखो डेफिनेशन बन गई ये. पहले मैं इसे लिख देता हूं, इसी की डेफिनेशन बनाऊंगा. एफ एक्स इक्वल टू एल का मतलब है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो. आगे लिख देते हैं हाउ एवर स्मॉल. एच एस भी लिख सकते हो शॉर्टकट में. हाउ एवर स्मॉल, कितना भी स्मॉल हो एप्सिलॉन, कितना भी स्मॉल लेकिन पॉजिटिव लेना है. स्मॉल लेकिन पॉजिटिव नंबर. फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट्स पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो. ये जो सिंबल लिखा हुआ है इसका फिर मीनिंग देखिए. पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन. ये डेल्टा का इंट्रोडक्शन देता है. सच दैट मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा. और आपको पता है मॉड एक्स माइनस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो.
So we write 0 less than mod x minus a less than delta. यहाँ पे equal sign नहीं लगाया क्योंकि x की value a कभी नहीं होगी, क्योंकि x is approximately a, x is never equal to a. That is why we cannot put equal sign here. और ये जो इधर लिखा हुआ इसको deleted neighborhood of a कहते हैं. Deleted neighborhood of a इसे बोला जाता है और इसे और तरीके से भी बोल सकते हो. इसी का मीनिंग एक बनता है a माइनस डेल्टा, सॉरी आई हैव टू राइट अगेन, a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा. ये ओपन इंटरवल जिसमें से a एक्सक्लूडेड है, इसीलिए इसको डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a बोला जाता है. तो ये तो आपकी डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर दी. अब इस डेफिनेशन को वन क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके दिखाते हैं. डेफिनेशन आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, सो दैट व्हेन वी अप्लाई यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग. सो यहां पर देखिए, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जिससे वो आप डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए हमने एक स्मॉल एग्जाम्पल लिया हुआ है. इसे बाय डेफिनेशन हम लोग प्रूव करेंगे. तो सॉल्यूशन बिगिंस नाउ. अगर जो ये प्रूव करना है तो इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव दैट मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो लेस देन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा विद यूजुअल नोटेशंस. ये हमें जस्टिफाई करके देना है. हमारे केस में एफ एक्स ये है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू, और अपने केस में जो एल है वो फोर है. यहां फोर लिख दिया. ए की वैल्यू हमारे केस में टू बनती है. इसका मतलब हमें ये चीज जस्टिफाई करके देनी है. तो प्रूव करने का तरीका क्या है? प्रूव करने का मेथड है कि आप इस चीज को सेलेक्ट करें, ये चीज कंप्लीट यहां तक, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करें, रास्ते में इस मटेरियल को यूज करें और लेस देन एप्सिलॉन को प्रूव करें. आपको लेस देन एप्सिलॉन ये चीज लानी है, ये प्रूव करनी है, और इधर वाला जो आइटम है ये पिकअप करना है. फॉर का मतलब इसे यूज करना, ये गिवन है. तो लेट अस राइट एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स माइनस टू माइनस फोर, ओके, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, फैक्टर कर लो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू माइनस फोर. एक्स माइनस टू कैंसल्स, एक्स प्लस टू माइनस फोर इज एक्स माइनस टू नाउ, एंड एक्स माइनस टू इज लेस देन डेल्टा. यहां पर ऑब्जर्व करिए, मॉड एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा हमने बोला था इसे यूज करना है, इसे हमने यूज कर दिया. और हमें लाना था एप्सिलॉन, तो यस दिस डेल्टा इज नथिंग बट एप्सिलॉन. थोड़ा आप ऊपर जाके यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन. अगर यहां रूट एप्सिलॉन लिखना होता तो रूट एप्सिलॉन भी लिख सकते थे. तो चूज ये जो सेंटेंस है ये बाद में लिखना है, पहले यहां पता लगा लो कि डेल्टा को कितना एप्सिलॉन लिखने से हमारा काम चल सकता है, वही चूज करना है. तो इस तरह से हमने अपना सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है. इसे पिकअप किया, इसे यूज किया, लेस देन एप्सिलॉन प्रूव किया. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके देंगे. इसमें हमारा पर्पज था कि आपको डेफिनेशन ठीक से सिखाया जाए, समझाया जाए और एक एग्जाम्पल दिया जाए. अब इसकी जो थ्योरम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोज में आपको हम देंगे.
और इजी लैंग्वेज में आप जरूर उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस कर देना जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट फॉर बीइंग विद अस।